हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 48 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी एरे के डिफ फंक्शन सीखने वाले हैं। डिफ फंक्शंस का बेसिकली मतलब होता है डिफरेंस। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास पीएचपी के अंदर 8 अलग अलग तरीके के डिफरेंस फंक्शंस हैं। ये जितने भी डिफरेंस फंक्शंस हैं, ये बेसिकली दो या दो से ज्यादा एरेज के बीच में डिफरेंस निकालते हैं कि उन दोनों में डिफरेंट कौन कौन सी वैल्यूज हैं या कीज हैं। आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग एरेज हैं, ए और बी, और दोनों के अंदर हमने एज ए नेम वैल्यू स्टोर करवाई हुई है और उनकी अलग अलग एसोसिएटिव कीज भी हैं। अब इन दोनों एरेज को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ और उनके अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको देखना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो दोनों एरेज के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं वो है अमन, यहाँ पर संजय जो वैल्यू है वो भी दोनों में एग्जिस्ट करती है, और जो यहाँ पर आपको मोहन वैल्यू दिख रही है ये भी दूसरे एरे में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं सिर्फ वैल्यूज का, तो यहाँ पर हम फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है एरे अंडरस्कोर डिफ। और अगर आप यहाँ पर कीज को कंपेयर करना चाहते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर दो अलग अलग कीज हैं जो डिफरेंस में निकल के आएंगी, एक है बी और एक है सी। बी और सी जो दोनों कीज हैं ये दूसरे एरे में, मतलब कि वेरिएबल बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल बी के अंदर एक और की है डी जो कि एरे ए में एग्जिस्ट नहीं करती। मगर जब भी हम कंपेयर करते हैं एक एरे को और दूसरे एरे को, तो उसमें से जो पहला एरे होता है उसी की कीज निकल के आएंगी यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे एरे अंडरस्कोर डिफ अंडरस्कोर की। और अगर आप यहाँ पर कीज और वैल्यू दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों एरेज को कंपेयर किया और एक यहाँ पर डिफरेंस निकल के आया, ये देखिए यहाँ पर जो है की सी, अब सी जो की है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही इसकी वैल्यू मोहन, ये देखिए। तो दोनों चीजों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है यहाँ पे वो है एरे अंडरस्कोर डिफ अंडरस्कोर एसॉक। एसॉक मतलब एसोसिएटिव एरे। जो ये फंक्शन है ये बेसिकली सिर्फ एसोसिएटिव एरे के साथ ही काम करता है, मगर जो इससे पहले हमने दो फंक्शन देखे हैं वो इंडेक्स एरे के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम सारे एरे डिफ फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php, और इसके अंदर मैंने दो एरे भी बनाए हैं A1 और A2। इन दोनों ही एरेज के अंदर मैंने अलग अलग कलर स्टोर किए हैं, आप देख सकते हैं, और उनकी एक अलग एसोसिएटिव कीज भी हैं। अब मैं इन दोनों एरेज का कंपेयर करना चाहता हूं और इसमें से डिफरेंस निकालना चाहता हूं। तो देखिए, उसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा एरे अंडरस्कोर डिफ फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमारे को कम से कम दो पैरामीटर देने होते हैं और दोनों ही एरेज होने चाहिए। तो देखिए, यहां पर मैंने जैसे डाल दिया A1 और इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं A2 से। अब जो ये फंक्शन होता है ये बेसिकली एक नया एरे रिटर्न करता है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी मैं यहां पर एक नया वेरिएबल ले लेता हूं। ये देखिए, मैंने न्यू एरे करके एक नया वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर जो भी डिफरेंस निकल के आएगा इस फंक्शन से वो स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूं। यहां पर मैं इसके लिए प्रिंट आर फंक्शन यूज करूंगा और इससे पहले मैं यहां पर इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूं ताकि प्रिंट आर फंक्शन की जो फॉर्मेटिंग है वो रीडेबल हो जाए। और इसी को कॉपी करके नीचे यहां पेस्ट कर देता हूं और इस टैग को क्लोज कर देता हूं। ये देखिए, अब जो ये फंक्शन है ये बेसिकली क्या करेगा, ये दोनों एरेज की वैल्यूज को मैच करेगा और जहां पर उसको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी उसको निकाल के ये रिटर्न कर देगा एज ए एरे। देखिए, जैसे यहां पर जो वैल्यू रेड है वो एरे टू में भी एग्जिस्ट करती है, ग्रीन जो की है यहाँ पे वैल्यू वो भी एरे टू में एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे ब्लू और येलो जो लास्ट की दो वैल्यूज हैं ये ए टू में एग्जिस्ट नहीं करती, और एरे टू की जो पर्पल वैल्यू है ये भी ए वन में एग्जिस्ट नहीं करती। मगर जो ये वैल्यूज उठाएगा ये सिर्फ एरे वन की उठाएगा। जो हम यहाँ पर पहला एरे पास करते हैं ये उसी को दूसरे या तीसरे एरे से कंपेयर करता है। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं, ब्लू और येलो। ये दोनों वही वैल्यूज हैं जो एरे वन के अंदर तो एग्जिस्ट करती है मगर एरे टू के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे दो से ज्यादा एरेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे एक एरे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ आकर मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब इसके नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको इस एरे के अंदर एज ए तीसरा पैरामीटर के रूप में मेरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसे। ये देखिए, अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा एरे डिफ, ये एरे वन को
एरे टू और एरे थ्री से कंपेयर करेगा और जो भी वैल्यूज इन तीनों में कॉमन नहीं है वो एरे वन में से निकाल के उसको एज ए नया एरे रिटर्न कर देगा। तो देखिए मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर वैल्यू आ गई ब्लू। इसका मतलब है जो ब्लू वैल्यू है वो तीनों एरे में एग्जिस्ट नहीं करती। यहां आके देखते हैं हम, यहां देखिए पहली वैल्यू जो है रेड वो तीनों में एग्जिस्ट कर रही है, ग्रीन जो है वो यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, ब्लू जो है वो ना इधर वाले एरे में है एरे टू में और ना ही एरे थ्री में है। और इसके बाद जो लास्ट वैल्यू है येलो वो एरे टू में तो नहीं है मगर एरे थ्री में है। ये देखिए लास्ट वैल्यू में यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। तो एक ब्लू ही वैल्यू है जो ना एरे टू में है ना एरे थ्री में। तो ये अब देखते हैं हम अपना दूसरा फंक्शन जिसका नाम है एरे डिफ की। तो उसके लिए मैं यहां पर लगाऊंगा अंडरस्कोर की। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये कीज को कंपेयर करेगा और जोन सी की कॉमन नहीं होगी उसको निकाल के ये एज एक नया एरे रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहां से पहले मैं ये जो हमारा थर्ड एरे था जो अभी बनाया था इसको रिमूव कर देता हूँ और यहां से भी इसकी वैल्यू रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, तो देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर दो वैल्यूज आई हैं ग्रीन और ब्लू। यहां पर इनकी जो कीज हैं बी और सी ये दो ऐसी कीज हैं जो एरे टू में नहीं है। यहां आके देखते हैं, यहां देखिए यहां पर है बी जो यहां पर नहीं एग्जिस्ट करती और जो सी है वो भी एरे टू में एग्जिस्ट नहीं करती। डी है जो कि वो देखिए यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। तो आपने देखा कि हम कीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं अपना तीसरा फंक्शन दिखाता हूं जिसका नाम है एरे डिफ एसॉक। ये जो फंक्शन है बेसिकली ये सिर्फ एसोसिएटिव एरे के साथ ही काम करता है। ये दोनों चीजों को कंपेयर करता है, कीज और वैल्यूज को। जहां की और वैल्यू दोनों ही डिफरेंट होगी उन वाली वैल्यूज को निकाल के ले आएगा ये एज ए न्यू एरे। तो देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर हमारे पास तीन वैल्यूज आई हैं, ग्रीन ब्लू और येलो। तो इसका मतलब है जो इनकी कीज और वैल्यूज हैं दोनों एरेज के केस में डिफरेंट है। यहां देखिए जो ग्रीन था यहां पर वैल्यू तो मैच कर रही थी मगर इसकी की मैच नहीं कर रही थी तो इसने ये एक वैल्यू उठा ली। उसके बाद देखिए यहां पर था ब्लू, ब्लू जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके अंदर तो इसने इस वैल्यू को भी उठा लिया। और उसके बाद है येलो, तो देखिए येलो भी जो वैल्यू है यहां पर एरे टू में एग्जिस्ट नहीं करती जबकि इसकी जो डी की है वो एग्जिस्ट कर रही है मगर ये दोनों को ही इकट्ठे मैच करेगा और ये डिफरेंस निकाल के ले आएगा। मैं यहां पर आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जो जितने भी डिफ फंक्शंस हैं ये केस सेंसिटिव है। देखिए जैसे यहां पर रेड लिखा हुआ है स्मॉल कैप्स में, अगर मैं यहां पर जाकर रेड को कैपिटल कर देता हूं आर को और फाइल को सेव करके दिखाता हूं तो देखिए यहां पर ये रेड भी ले आया क्योंकि यहां पर इस समय इस रेड में और इस रेड में डिफरेंस है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी डिफ फंक्शंस हैं वो केस सेंसिटिव हैं तो इन दोनों की वैल्यूज का मैच करना एग्जैक्ट जरूरी है। तो यहां पर मैं आर छोटा ही कर देता हूं अभी। ये देखिए मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब यहां पे हम बात करते हैं अपने फोर्थ फंक्शन की जिसका नाम है एरे डिफ यू एसॉक। देखिए यू का यहां पे जो मतलब है वो है यूजर डिफाइंड। पीएचपी में डिफ फंक्शंस के साथ हमारे पास पांच अलग अलग तरीके के यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। आइए पहले उनका मतलब समझते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन से हमारा क्या मतलब है। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे दो एरेज हैं ए और बी और मैं इन दोनों एरेज के अंदर उनकी कीज और उनकी वैल्यूज को मैच करना चाहता हूँ और जब मैं इन दोनों को मैच करूंगा तो हमारे पास एक डिफरेंस आएगा। ये देखिए ये एक ऐसी वैल्यू है जिसकी ना की एग्जिस्ट करती है बी में और ना ही इसकी वैल्यू। तो इस तरह के फंक्शन के लिए बेसिकली हम डिफ के एसॉक फंक्शन का यूज करते हैं मगर अगर हम इसके साथ यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें पीएचपी की हेल्प से नहीं कर रहे हैं काम, हम एक खुद का फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर इन दोनों को कंपेयर करने का कोड लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने यहां पर नीचे यहां पर एक फंक्शन यूज किया है एरे डिफ यू एसॉक। यू का मतलब है यूजर डिफाइंड फंक्शन इसमें डिफाइन होगा और देखिए मैंने इसमें कम से कम तीन पैरामीटर देने जरूरी है, कम से कम दो एरेज के नाम और उसके बाद हमारा यहाँ आता है फंक्शन का नेम जिसके अंदर हम इन दोनों एरेज को कंपेयर करने का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पीएचपी के अंदर डिफ के साथ अलग अलग पांच तरीके की यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली उन सबको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना यूजर डिफाइंड एक एसोसिएटिव फंक्शन बना लिया और इसके अंदर यहाँ पर मैंने दो एरेज के नाम भी दे रखे हैं। यहाँ पर एज ए तीसरा पैरामीटर मैं एक फंक्शन का नेम लूंगा जो मेरा खुद का बनाया हुआ फंक्शन होगा। तो देखिए जैसे मैंने उसका नाम यहाँ पे रख दिया कंपेयर और इस फंक्शन को कहीं मैं ऊपर जाके डिफाइन भी कर देता हूँ। यहाँ मैं ऊपर एक फंक्शन बना लेता हूँ कंपेयर नाम से और इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एज ए दो पैरामीटर ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए ए और बी। अब इनका क्या मतलब है, जैसे ही हम यहाँ से दो आर्गुमेंट भेजेंगे
एरे वन और एरे टू, तो ए वन की वैल्यू चली जाएगी ए में और ए टू की जो वैल्यू है वो पास हो जाएगी वेरिएबल बी में। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करने के लिए अंदर कोड भी लिख लेता हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज़ करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है जहाँ पर मैं वेरिएबल ए को और वेरिएबल बी को कंपेयर कर रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने तीन इक्वल टू का यूज़ किया है, जिसका मतलब है एरे ए की वैल्यू और की जहाँ जहाँ कंपेयर करेगी एरे बी की वैल्यू और की से, वहाँ पर ये रिटर्न कर देगा जीरो। और अगर एरे वन की वैल्यू एरे टू की वैल्यू से बड़ी होती है तो वो रिटर्न करेगा वन, और अगर एरे वन की वैल्यू स्मॉलर है एरे टू से तो वो रिटर्न करेगा माइनस वन। तो ये तीन रिजल्ट निकल के आते हैं। तो वन और माइनस वन के लिए भी हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं और उसकी कंडीशन बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा रिटर्न, और यहाँ पर एक कंडीशन बना लेता हूँ। अगर वेरिएबल ए की वैल्यू वेरिएबल बी से बड़ी है तो हम यहाँ पर टीनरी ऑपरेटर का यूज़ करके रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अगर उसकी वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा वन, और एल्स के केस में मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा माइनस वन। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर तीन ऐसी वैल्यूज आ चुकी हैं जो मैच नहीं करती। तो देखिए इनकी कीज भी डिफरेंट है और इनकी वैल्यूज भी, तो ग्रीन ब्लू और येलो एक ऐसी वैल्यूज हैं जो एरे टू में एग्जिस्ट नहीं करती। हम यहाँ के देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर की थी बी और उसकी वैल्यू थी ग्रीन, तो यहाँ पर ग्रीन वैल्यू तो थी मगर उसकी की डिफरेंट है एफ। इसी तरह ब्लू के केस में भी है और इसी तरह येलो के केस में भी। तो ये था बेसिकली हमारा डिफरेंस यू एसोसिएटिव फंक्शन। अब इसकी जगह अगर हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ, एक दूसरा फंक्शन भी है जिसके अंदर हम यू यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर डिफ के साथ लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये भी वही रिजल्ट देगा। मैं आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ, और ये देखिए वही रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ जो कि यूजर डिफाइंड की फंक्शन है, जो कि यूजर डिफाइंड की फंक्शन है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं डिफ लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पर लगा दूंगा यू की। यू का मतलब है यूजर डिफाइंड, बाकी आपको कंपेयर फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। अब ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, ये कीज को मैच करेगा, और जहां पे कंपेयर करने के बाद की मैच नहीं होगी उसको ये एक नए एरे में डाल देगा। तो देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहां पर हमारे पास दो कीज आ रही हैं बी और सी। ये दोनों ऐसी कीज हैं जो एरे टू में एग्जिस्ट नहीं करती। यहां के देखते हम, ये देखिए यहां पर था बी जो कि एरे टू में नहीं है, और सी भी एक ऐसी की है जो एरे टू में एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर आप सिर्फ वैल्यूज को मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर उस फंक्शन का नाम है एरे अंडरस्कोर यू डिफ। तो मेरे को यहाँ पे यू लिखना है, बाकी हमारा कंपेयर फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ कंपेयर करेगा वैल्यूज को। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं ब्लू और येलो जो कि एरे टू में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये देखिए ब्लू भी नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे येलो है। अब यहाँ पे हम अपनी बात करते हैं लास्ट फंक्शन की जिसका नाम है एरे यू डिफ यू एसॉक। ये बेसिकली एसोसिएटिव एरे के साथ ही काम करता है, मगर इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर हमारे को दो एरेस को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हमारे को दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे। पहला जो फंक्शन होगा वो कीज को मैच करेगा, और जो दूसरा फंक्शन होगा वो वैल्यूज को मैच करेगा। तो देखिए हमने एक फंक्शन तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसको हम की के लिए यूज कर लेंगे, और यहाँ पर मैं एक दूसरा फंक्शन भी बना लेता हूँ कंपेयर वैल्यू नाम से। ये देखिए अब मैं ये फंक्शन ऊपर जाके डिफाइन भी कर देता हूँ, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ये फंक्शन सिर्फ वैल्यूज को मैच करेगा, और जो ऊपर वाला फंक्शन है ये सिर्फ कीज को मैच करेगा। तो देखिए यहां पर ये हमारा फंक्शन बन चुका है, और मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है ये कीज और उनकी वैल्यूज दोनों को मैच कर रहा है। तो ये तीनों वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो एरे वन के अंदर तो एग्जिस्ट करती हैं मगर एरे टू के अंदर नहीं, या उनकी की मैच नहीं कर रही है। तो ये थे बेसिकली हमारे सारे एरे डिफ फंक्शंस जो डिफरेंस निकालने के काम में आते हैं। इनमें से जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं वो बेसिकली यूज नहीं होते हैं। इनमें से जो बेसिकली हमने तीन फंक्शन जो स्टार्टिंग में किए थे एरे डिफ की एरे डिफ एसॉक, ये तीनों ही फंक्शन जो मेन फंक्शन हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए,
अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।